एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। नीति आयोग के दिशा निर्देश के बाद आकांक्षी जिले दमोह जिले मुख्यालय पर प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मध्य प्रदेश शासन के मंत्री लखन पटेल, पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया, प्रभारी कलेक्टर अर्पित वर्मा के अलावा अनेक अतिथियों की मौजूदगी में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान विभिन्न हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिया गया और आगामी दिनों में आकांक्षी जिले के पूरे सभी जिलों में संपूर्णता अभियान के तहत विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के विषय में जानकारी से अवगत कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। देश में जो तीन नए कानून लाए गए हैं, उन कानूनों के छह प्रकार के होंगे, हमारा देश है। इनमें जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, हमें एक ग्लूकोज हमारे शरीर में आता है तो ये हमारी तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह होगी। उदाहरण के तौर पर रागी तो हम भूल चुके हैं, ये एडवर्स कंडीशन और आकांक्षी धार इससे विशेष फर्क होगा। आप सभी का जिला प्रशासन मैं आप सबको संपूर्णता अभियान क्या है इसका संक्षेप में थोड़ा विवरण देना चाहूँगा। संपूर्णता जैसे कि नाम है तो कुछ हेल्थ यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और एग्रीकल्चर और सेंसेंट हो, ये चार और क्षेत्र हैं जिनमें नीति आयोग ये चाहता है कि उनके द्वारा चुना गया जो आकांक्षी ब्लॉक है और जो आकांक्षी जिला है इंडिकेटर्स में शत प्रतिशत पूर्णता प्राप्त कर, इसीलिए इस अभियान का नाम संपूर्णता अभियान है। जैसे कि अगर हम ब्लॉक की बात करेंगे तो दमोह जिले के अंदर तेंदुखेड़ा ब्लॉक हमारा आकांक्षी ब्लॉक है। आकांक्षी ब्लॉक या आकांक्षी जिले वो जिले हैं जो तीन पैरामीटर्स में थोड़ा पीछे है और सरकार चाहती है कि हम फोकस करके उनको आगे लाएं और देश में सभी के संपर्क कर रहे हैं। भारत सरकार और आर्थिकी सांख्यिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार 1 जुलाई से लेकर जैसे ठाकुर जी ने बताया 30 सितंबर तक 3 माह तक संपूर्णता अभियान चलाया जाएगा। इसकी आज हमारे दमोह जिले से आज से हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं। यह हमारा जिला जो है संपूर्णता अभियान का उद्देश्य आकांक्षी जिले और हमारा जो ब्लॉक है आकांक्षी ब्लॉक का टुकड़ा, इसमें जो चिन्हित इंडिकेटर्स हैं चाहे वो हमारा स्वास्थ्य का मामला हो, पोषण का मामला हो, कृषि का मामला हो, सामाजिक विकास का मामला हो या शिक्षा का मामला हो, इसमें हम सारे इंडिकेटर कैसे जल्दी से जल्दी इनको ले सकते हैं। 2018 से देश भर में काम कर रहा है, उधर 2018 में नीति आयोग ने काम करना प्रारंभ किया था तो ये दमोह सबसे निचले पायदान से दूसरे नंबर पर गिनती होती थी, लेकिन हमारे जिला प्रशासन और नीति आयोग के अधिकारियों के माध्यम से जो इस दमोह जिले में जिन जिन क्षेत्रों में चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में काम करना प्रारंभ किया। अगर सीओ साहब और बाकी सब अधिकारी इस प्रदेश स्तर पर इस बात को हम लोग तो कर ही रहे हैं, आप लोग के स्तर से भी ये बात जाएगी और शायद नीति आयोग तक ये बात पहुंचे
कि मार्केट उपलब्ध हो जाए तो शायद इसकी गति चार गुना तेज हो जाएगी। आप सबने बहुत देर तक इंतजार किया, उसके लिए मैं पहले भी क्षमा मांगता हूं, फिर से एक बार कहता हूं। आमतौर पर हम लोग देर से पहुंचते नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं जयंत भैया का यदि मुझे मालूम चला होगा तो मैंने कहा तो 3 बजे पहुंच गए होंगे। फिर मैंने भी कहा होगा थोड़ा देर से आना, तो हम लोग कोशिश हमेशा करते हैं कि समय से पहुंचे, लेकिन कोई मजबूरी कारण नहीं आ पाते। आप सबके लिए इस कार्यक्रम के आयोजन करने के लिए वाले आयोजन समिति को भी, जिले के लोगों को भी बधाई देता हूं और आप सबको भी शुभकामनाएं देता हूं। धीरज देवालपुर सूर्य घोड़ा मेघा राजपूत स्कूल जाते हैं, अब तो स्कूल की परिभाषा ही बदल गई है। पिछले वर्षों में नारिश खान, उमेयाबी खान, मीनाक्षी नायक और रेखा मिश्रा हमारे सौ के कलेक्टर माननीय श्री भरत वर्मा जी, हमारे सीमा मैटर ही काफी आगे आए हैं, विद्यालय प्रीतम सिंह जी, किरण जी, माननीय मंत्री जी के दूसरे दूर उपस्थित है, आप ही अग्रिम पंक्ति कह रहे हैं। दोनों तालियां हमारी बेटियों के लिए और एक को आराम से चलाती कोई जरूरी नहीं, सभी कठिन शुरू कर रहे हैं। हमारी मातृशक्ति की जोरदार तालियां बजाइए। गणपति फैलाएगी जोरदार तालियां इस प्यारे बिटिया के लिए, इसमें कितना सुंदर और हमारी दृष्टि है। जबकि शासन की इतनी महत्वपूर्ण योजना धारावी लक्ष्मी योजना जो प्रदेश में देश ये पौधों की पेड़ दे रहे हैं और ये अपने पेट में हर हर की पेट दिनेश पटेल प्रिया मद्रासिया पौधों की पेट को धर्मेंद्र चौरसिया रामजी पटेल हर हर पेट श्री दिनेश पटेल श्री शंकर। माननीय मोदी जी ने नीति आयोग को एक जिम्मेवारी सौंपी थी, उसके आंकड़े जो आए थे ये लगभग 7 साल पुराना आंकड़ा है, जिसमें नीति आयोग में कुछ ज़िले मापदंडों से नीचे थे, जो हमारे एक अच्छे ज़िले अच्छे सभी विभागों के लिए जो मापदंड बनाए थे उससे नीचे थे, तो ऐसे ज़िलों को आकांक्षी जिले के रूप में रखा गया था। और मैं उस समय इस जिले प्रशिक्षण में गया था, 2 दिन दिल्ली में प्रशिक्षण था, तो अभी ये 6वें नंबर पर आ गया। तो और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन पूरा लगा हुआ है, आप जैसे देख रहे हैं कि आज का कार्यक्रम इसलिए है कि लोगों के लोग अपना जो मापदंड है उनको बढ़ाएं, उनको ठीक करें, चाहे वो टीकाकरण का मामला हो चाहे और दूसरे जो भी मामले हैं, उसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया। और 30 सितंबर तक चलना है, 30 सितंबर तक ये कार्यक्रम चलना है, जिससे कि हमारा ज़िला जो है जो नीति आयोग के मापदंड है उनके बराबरी पर आ जाए, इसके लिए कार्यक्रम आयोजित। जैसा कि आप लोग को विदित है कि संपूर्णता अभियान नीति आयोग द्वारा चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत अगले 3 महीनों में हमको आकांक्षी ब्लॉक जो कि हमारा तेंदुखेड़ा ब्लॉक है और आकांक्षी जिला जो दमोह है, इनके इनमें 6 अलग अलग इंडिकेटर्स पे यानी कुल 12 इंडिकेटर्स पे हम लोग को काम करना है और ये सुनिश्चित करना है कि इन 12 इंडिकेटर्स में दमोह ज़िला जो है 100% संपूर्णता हासिल करे। और ये जो इंडिकेटर्स हैं ये मूल विभागों से जैसे शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, हमारे SHG जो SRLM होता है उन सब से उन सब इंडिकेटर्स जो हैं इनसे संबंध रखते हैं। और आज जो है हम लोगों ने दमोह में ये जो कार्यक्रम किया है ये एक तरह से लॉन्च किया है इस कार्यक्रम को, जिसमें सभी विभागों ने अपनी जो रणनीति बनाई थी वो समक्ष में रखी कि हम कैसे अचीव करेंगे। और माननीय मंत्रीगण और माननीय विधायक जी सभी लोग आए थे, तो आज से जो है ये कार्यक्रम का शुरुआत हुई है और अगले 3 महीने ये कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा और 30 सितंबर में
हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जो सरकार के निर्धारित लक्ष्य हैं उनका शत प्रतिशत अचीव कर सकें।